अरे भाई साहब, काश मैं अपने रिएक्शन ना कैप्चर कर पाता शोरूम के अंदर जब इन्होंने स्टार्ट करी है गाड़ी। मैं सीट पे ऐसे बैठा हुआ था, इन्होंने स्टार्ट करी, मैं ऐसे हो गया। मैंने कहा ये क्या स्टार्ट हुआ है भाई। इस बात की खुशी है इसका प्राइस बहुत लो है यार, इसका प्राइस ही नहीं है कुछ गाड़ी का जिस हिसाब से गाड़ी है। मैं तो इसे सोच रहा था करोड़ों की है, बट ये तो लाखों में है गाड़ी, और वो भी सिर्फ कुछ ही लाख। बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि करोड़ के बहुत नज़दीक है, बहुत कम है यार करोड़ से, आप समझो बात को। नमन है, अंदर बैठते भी थम पाता है। बिल्कुल आता है, जब पता चलता है प्रॉपर आपको गाड़ी स्टार्ट हो गई, एक वाइब्रेशन अंदर आती है, प्रॉपर पता चलता है, आपको फील आती है गाड़ी। देखो ये 70, ये धीरे 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 बढ़ रही है। अब मैं एक बार जब एकदम से थ्रॉटल करूंगा। अच्छा ये लाइटें भी चलती हैं? ये लाइट्स भी शो करती हैं आपकी आरपीएम के अकॉर्डिंग। जब ये ग्रीन है, अब आरपीएम जितना ऊपर ऊपर जाता जाएगा ये और राइट लाइट चेंज हो जाएगी, रेड होती जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट वो इसके व्यूज है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय budmo.com। दोस्तों अगर आप किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट के लिए परेशान हो रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग विजिट कर सकते हैं www.budmo.com पे। अगर आपके पास इंडियन सेगमेंट की कार है या आपके पास लग्जरी सेगमेंट की कार है तो आपको budmo.com पे मिलते हैं हर गाड़ी के स्पेयर पार्ट। नो मैटर पार्ट इंजन से रिलेटेड है, टायर से रिलेटेड है, या किसी से रिलेटेड आप पार्ट ढूंढना चाह रहे हैं स्पेयर पार्ट किसी भी गाड़ी का, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं www.budmo.com पे, क्योंकि budmo.com आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है पैन इंडिया। आपके डोर स्टेप पे आपका स्पेयर पार्ट डिलीवर हो जाता है विदाउट एनी टेंशन। और इसी के साथ साथ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं budmo की ऑफिशियल ऐप, जो कि एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर दोनों में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खुशी का दिन है आज माय कंट्री माय राइड पे। आज जिस गाड़ी की हम बात करेंगे वो गाड़ी है रेड ब्यूटी। रेड कलर मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रेड ही कलर में चूज़ करी। अब आप कहोगे कि आज आपकी गाड़ी की क्यों बात हो रही है, बात मेरी गाड़ी की नहीं है, बात है रेड ब्यूटी की। ये तो लोकेशन पर मैं आया हूँ अपनी गाड़ी लेके, चाबी यहाँ पड़ी हुई है उस गाड़ी की, आप देखना चाहोगे थोड़ा सा करीब आ जाए। ये तो मेरी गाड़ी की चाबी है, जैसे कि नॉर्मली महिंद्रा थार की होती है, बट आज मेरे पास ये चाबी है जी, रेड ब्यूटी। ऐसी ब्यूटी दिखाऊंगा आज मैं आपको रेड की, आप कहोगे कि V8 इंजन की कार इतने कम प्राइस में लेके आए हो आप। लिटरली बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में घूम के आना और V8 इंजन की कार इतनी सस्ती बताना मुझे, और इस कंडीशन की, कंडीशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं ब्रांड न्यू, मतलब ब्रांड न्यू Audi R8 V8 इंजन। जी हाँ दोस्तों, V8 इंजन है इस गाड़ी के अंदर, और गाड़ी इतनी शानदार है और आ चुकी है ऑटो बेस्ट इंपीरियो के स्टॉक में, जहाँ पे आपको दिखती हैं यूनिक यूनिक वैरायटीज ऑफ कार, जिसमें अभी हमने आपको रिसेंटली दिखाई रेंज रोवर इवोक, वो भी कन्वर्टेबल पहली बार। आज हम आपको दिखा रहे हैं पहली बार V8 इंजन की R8। तो इस वीडियो को पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों तक ये हमारी ये वीडियो पहुंच सके। रेड हॉट ब्यूटी है, हमारे साथ में है मेरे ब्रदर नमन फ्रॉम ऑटो बेस्ट इंपीरियो। नमन कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ। भाई आपने कमाल ही कर रखा है, मतलब मार्केट में ऐसा कर रखा है आपने, बिल्कुल यूनिक यूनिक गाड़ियां लेके आते हैं। अब कहते हैं इरफान भाई, अब जब भी शूट करेंगे ना एक्सक्लूसिव ही कर देंगे। बिल्कुल, अब आपको स्टॉक तो हम दिखाएंगे, लेकिन अपने स्टॉक की ऐसी ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ दिखाएंगे जो आपने भी फीचर नहीं करी होगी अपने चैनल पे। तो आज उसी कड़ी में हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक ऐसी कार जो मुझे लग रहा है इन्होंने ली है मेरे लिए। यार उसका रीज़न बताऊँ, आई लाइक रेड, मेरा फेवरेट कलर है रेड। और जब मैंने इसकी कीमत सुनी ना नमन, आई वॉज वेरी शॉक्ड भाई।
बिल्कुल शौक होने वाली बात भी है क्योंकि जो प्राइस है इसका, जो प्राइस ब्रैकेट है, मतलब एक अफोर्डेबल रेंज में है। कोई अगर स्पोर्ट्स कार अपने लिए सर्च कर रहा है, सिर्फ स्पोर्ट्स कार नहीं कहूँगा इसको, इट इज़ टोटली अ डिफरेंट मशीन। आप इसको चलाओगे, जो इसकी पावर है, सबसे पहले तो 8 सिलेंडर इंजन है ये, जो V8 इंजन है। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ 4.1 लीटर का इंजन है इसका। मतलब इतनी पावर, एक्सट्रीम जो ये पावर जनरेट करती है गाड़ी, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो इसकी अगर हम BSP की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी BSP होगी वो होगी अराउंड 420 BHP प्लस। अगर हम टॉर्क की बात करें, 430 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क होती है इसकी एट 4000 RPM पे। यार इसके बारे में लफ्ज़ बिना कम पड़ जाएंगे, ऐसी है ये कार। लेकिन आ चुकी है आज आपके लिए फॉर सेल मेरे यार, ये गाड़ी बिकाऊ है। और जो जिस साल का ये मॉडल है आप देख के पहचान ही नहीं पाओगे यार, आपको लगेगा शोरूम से अभी अभी निकाल के लेके आए हो ये गाड़ी, क्या मजाक कर रहे हो आप, 2012 जी। उसके साथ साथ हमारी एक बार USP भी बता दो आप, 2012 में भी कितनी चला लोगे, चलाते होंगे लोग, लेकिन यहाँ पे स्टॉक में वही इन्वेंट्री आएगी जो कम चली हो। बिल्कुल, मीटर पे आपको दिखाऊंगा, बट सबसे पहले इसका प्राइस बताऊंगा आपको। नई गाड़ी 2.5 करोड़ से शुरुआत होती है, R8 V8 इंजन वाली, और V10 लोगे तो 3-3.5 करोड़ की बात हो जाएगी। बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो फिर सुनाई देते हैं, वेट क्या करना, बस एक ही थंब सुनना, जैसे स्टार्ट होगी ना हूँ इसमें गेम ना, एग्जॉस्ट की तो है, पावर की है, लेकिन अब आप सुनो एक बार यार, मुझे लग रहा बस, ना भैया नो मोर नॉइस पोल्यूशन भैया, मैं सही बता रहा हूँ, ये माइक पे पता नहीं कितनी कैप्चर होती है। इन पर्सन अगर ये स्टार्ट होगी और आप इसके पास खड़े रहोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कोई प्राइवेट जेट जो है वो रोड पे खड़ा हो गया। इंजन देख लो आप, इंजन पे जाने से पहले जो हमने अभी एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनी एक बार उसका भी बता दूं आपको, दिस इज़ अ वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट जिसमें अंदर हमें बटन्स मिले हुए हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपने एग्जॉस्ट की आवाज़ को कम करना है, बढ़ाना है, वो आपके हाथ में है। और इसमें हमें आर्मीट्रिक्स का एग्जॉस्ट मिल रहा है जो कि आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है गाड़ी में, एंड आवाज़ जो इसकी है आपने सुनी ली है, यार मतलब इट इज़ टोटली डिफरेंट। मेरे को लगता है शायद क्या हम इसे ओपन कर सकते हैं, इज़ इट पॉसिबल, तो एक बार हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं। ये जो इंजन है ना V8, देखो आप ब्रांडिंग में, जैसे फरारी में आपको दिखता है ना इंजन, सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी आपको इंजन दिखता है, ये देख लो आप, भाई साहब गर्म है भाई, ये हीट है, मतलब पीछे भी आप देख रहे हो कार्बन फाइबर, यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक्स मिल रहा है पूरे इसके, पूरा पीछे ग्लास है। एंड इसके इंजन की भी अगर बात करें, सबसे पहले आपको दिखा दूँ 8 सिलेंडर इंजन है, तो ये V8 इंजन की आप ब्रांडिंग देख रहे हो जिसमें हमें पेट्रोल इंजन मिल रहा है पूरा R8 में हमें, मतलब इस गाड़ी को देख के ना ऐसा लगता है कि भाई क्या बातचीत है। अब ये तो पीछे तो इंजन हो गया, तो भाई आगे क्या है, आगे की बात करते हैं दोस्तों। जब इंजन पीछे है तो आगे अपने को क्या मिलता है, इसकी जो लुक देख रहे हो ना आगे से, ये कोई नॉर्मल लुक नहीं है, ये टोटली आई थिंक कस्टमाइज है। बिल्कुल, आगे का जो इसका बम्पर कहेंगे हम, या फिर आगे आप ग्रिल की बात करें, ये टोटली चेंज आफ्टर मार्केट, यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश जो मिल रही है, प्लस जो ग्रिल है इसकी बाउंड्रीज पे भी आप देखोगे कार्बन फाइबर फिनिश है। राइट, अब ग्राउंड क्लियरेंस देखो इसकी, ये देखो ये लो है गाड़ी, इतनी सी है जी ये गाड़ी, मतलब 4 उंगली इधर 4 उंगली इधर 8 उंगली जाएंगी इसके अंदर, बड़ी ही संभाल के चलानी पड़ती है ये गाड़ी। अब नमन एक बार प्लीज़ ये हुड खोल दें ताकि हमारे व्यूअर्स को ये पता लगे कि इस हुड के अंदर आखिर क्या है। आपके पास की होगी, की से ही ओपन हो जाएगी, इस पर बना भी हुआ है यहाँ पे ना, अब ये खुल चुकी है, और ये ये थोड़ा ठंडा है क्योंकि यहाँ पे इंजन नहीं है ना। डिसेंट स्पेस मतलब अगर 2 सीटर के हिसाब से देखेंगे तो जिम बैग तो आ ही जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आ जाएगा, जिम बैग आ जाएगा। और वैसे भी इसको लेके कौन जाता है भाई लद्दाख वदाख, ये तो फिर ताकत वाली बात होगी, इसमें तो जिम ही जाना है, वो भी सुबह सुबह जाना है, शाम को जाओगे तो ट्रैफिक मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी की कंडीशन की, कि किस कंडीशन की कार है अवेलेबल ये ऑटो बेस्ट इंपीरियो पे। भाई अगर मॉडल की बात करें तो 2012 मॉडल है, 2012 मॉडल चली कितनी आपको पता है, एक बार सुन लो भाई से, जो गाड़ी चली है ये चली है 8300 किलोमीटर्स, 8300। आप कहोगे मजाक नहीं, सच में भाई बिल्कुल जेन्युइन चली है, आप चेक कराना चाहें चेक कराएं, अपनी पूरी तसल्ली करें फिर डील करें, क्योंकि ये डील बहुत ही हॉट होने वाली है, क्योंकि प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब यार शौक भी पूरा हो जाएगा और मतलब पैसे भी नहीं लगेंगे, ऐसी वाली डील है क्या। अब आ जाओ साइड पर, साइड से ये देखो आप कितनी लंबी है कार और कितनी छोटी है, ये खुद अंदाज़ा लगाओ आप, इतनी आई कैचिंग कार है ये, आपको तो वीडियो में दिख रहा होगा। अब बात करें इसके अलॉय व्हील्स की, तो नमन साइड से कुछ प्रोफाइल का समझाएं। अलॉय व्हील्स इसमें जो हमें मिल रहे हैं वो स्टॉक अलॉयज़ हैं, यहाँ पर अगर हम साइज़ की बात करें तो इसमें हमें 18 इंचेस अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, जो कि मोर देन एनफ है गाड़ी के लिए, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस उसकी ऑलरेडी कम है, तो हम
जिस हिसाब से गाड़ी चलेगी उसके हिसाब से ग्रिप बहुत अच्छी है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें टायर की, तो अब ये देखो 285/35 मतलब 285 इसकी प्रॉपर विड्थ है। और इसके साथ साथ अलॉय व्हील जो है वो ब्लैक आफ्टर मार्केट कराए गए हैं, एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ब्लैक पार्ट जो इसका ओरिजिनल कलर है ये ऑडी का R8 का। ओके, अच्छा रैप नहीं है ना? जी ये रैप नहीं है, ये ओरिजिनल कलर है। अलॉय व्हील्स भी अगर आप देखोगे तो आपको रेड कैलिपर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर बैठने की। ये देखो डोर हैंडल्स, और ये खोली। अब ये फ्रेमलेस डोर तो होने ही है, स्पोर्ट्स कार है ये तो, बट ऑब्वियस है। अब नमन जरा उधर जाएंगे और ज़रा हम इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, और आप इधर से देखो। अब ये गाड़ी खुली हुई है, अब मैं ऐसे आराम से, ये कितनी लो है नीचे से देख रहा हूँ। अब मुझे कितना नीचे जाना पड़ेगा भाई साहब, ये देखो। ए ओ भैया, चलो अवंती वाला हाल तो नहीं है इसके अंदर, बड़ी अच्छे से बैठ जाता है। अब ये चीज़ नोट करो, ये देखो ये गाड़ी इतनी फास्ट है ना कि कंपनी ने ऐसे बना रखा है कि आप अपने पैरों को बिल्कुल ऐसे रखें, ताकि जब आप ये गाड़ी पुश हो तो अगर आपको पीछे बैगे या ब्रेक लगे, आप आगे आएँ तो आपको एक अच्छी ग्रिप मिले। ग्रिप के लिए आपको यहाँ पर भी हैंडल्स दिए हुए हैं। अब इसे स्टार्ट करते हैं, तो ये हमने कर दिया इसे स्टार्ट। ओहो नमन है, अंदर बैठते भी थम पाता है, बिल्कुल आता है। जब पता चलता है प्रॉपर आपको गाड़ी स्टार्ट हो गई, एक वाइब्रेशन अंदर आती है, प्रॉपर पता चलता है आपको, फील आती है गाड़ी में। अब बात करें इसकी स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है। स्टेयरिंग नॉर्मल नहीं है, ये स्टेयरिंग भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। इसमें हमें कार्बन फाइबर स्टेयरिंग मिल रहा है, आप देख रहे हो पूरा इसका बहुत नेक्स्ट लेवल लुक है। यहाँ से जो प्रॉपर स्पोर्ट्स स्टेयरिंग होता है वो वाला दिया हुआ है। इसके साथ साथ R8 की ब्रांडिंग मिल रही है हमें, जो इसके पेडल शिफ्टर्स हैं उन पे भी आपको कार्बन फाइबर का जो कवर होता है वो प्रॉपर मिल रहा है इसके साथ साथ। और स्टेयरिंग पे आप यहाँ पर देख रहे हो आपको RPM और जो किलोमीटर्स हैं गाड़ी की, मतलब जब गाड़ी चलेगी जो रेस जितना स्पीड होगी वो सब यहाँ पे प्रॉपर पता चलेगा। अब RPM आप देख रहे हो यहाँ पे 773 दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा थ्रॉटल करूँगा। ओहो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये देखो दोबारा से रेव करेंगे, देखना स्टेयरिंग पे देखना। अभी आप देखो ये 70, ये धीरे 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 बढ़ रही है। अब मैं एक बार जब एकदम से थ्रॉटल करूँगा। अच्छा ये लाइटें भी चलती हैं, ये लाइट्स भी शो करती हैं आपकी RPM के अकॉर्डिंग, जब ये ग्रीन है। अब RPM जितना ऊपर ऊपर जाता जाएगा ये और राइट लाइट चेंज हो जाएगी, रेड होती जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट वो इसके व्यूज है। अब एक बार दोबारा से करेंगे आप, अब रेड ब्लिंक हुई थी क्योंकि वो एक्सट्रीम हाई चला गया। किलोमीटर देख लो आप, खुद ही देख लो अपनी आंखों से इसके ना किलोमीटर, 8,348 किलोमीटर R8 की। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी दिखती है, देख लो R8 यहाँ पे लिखा हुआ, और ये है इसकी कुछ बातचीत, और यहाँ पे भी R8 की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। और अंदर से इसके अंदर जो कॉस्मेटिक चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे इसका इसका गियर काफ़ी यूनिक है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको गाड़ियों में डी मिलता है अपने को, डी फॉर ड्राइव, प्रॉपर स्पोर्ट्स कार। यहाँ पर आपको यहाँ न्यूट्रल मिल रहा है, रिवर्स, ऑटो, ये प्लस एंड माइनस आपके मैनुअल ड्राइव के लिए। प्लस यहाँ पर आपको मिल रहा है स्पोर्ट्स मोड। नॉर्मली तो इसमें स्पोर्ट्स मोड की जरूरत ही नहीं है, आप नॉर्मल ऐसी भी चलाएंगे अगर, तो इट इज़ मोर देन इनफ। बट अगर आपकी मर्जी, आपकी गाड़ी, आप चला सकते हैं स्पोर्ट्स मोड में भी। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पॉइलर का भी बटन मिल रहा है, जो पीछे हमें स्पॉइलर मिल रहा है। ओके, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे हमें ज़ार्टस लैम्प्स का ESP ऑफ, प्लस यहाँ पे जो आपके पार्किंग सेंसर्स, इसमें रिवर्स कैमरा भी है। आप ये मैं सोचो इसके अंदर रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा। पुराने मॉडल्स के अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती, बट इसमें सब चीज़ें मिल रही हैं, आपको कहीं कोई किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि आपको ये चीज़ नहीं मिली। प्लस इट इज क्वात्रो, इट इज हैविंग अ फोर व्हील ड्राइव, तो अमेजिंग ड्राइव है गाड़ी की। तो एक बार ये स्क्रीन जो है आपने मुझे दिखाई थी जब वो मारे थे, तो ये स्क्रीन निकल जाती है, खुल जाती है, वो कैसे होता है? ये यहाँ पे आप बटन देख रहे हो, मैं इसको बस प्रेस करूंगा। ओहो ये इसलिए है दोस्तों, इसके अंदर CD चेंजर, यहाँ पर आप SD कार्ड डाल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर CD डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर। यार ड्राइव दिखाओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलते हैं फिर ड्राइव पे। तो दोस्तों इसे कहते हैं Audi R8, तो लेट्स गो। अब इसके अंदर इन्होंने ऑटोमेटिक मोड पे लगा रखा है इसे। अब ये देखना, ये थोड़ा शेक करेगा कैमरा। ओहो आपको भी फुटेज थोड़ी शेकी शेकी मिलेगी। बस अब ये आने वाला है हमारे पास ना, ये देखो, ये देखो। ओ रे भाई साहब, अभी मैंने पूरा किया भी नहीं, अभी मैंने चलाया भी नहीं, हल्का सा मैंने थ्रॉटल करा उसी में गाड़ी, मजा ही आ गया। अच्छा इसको ना थोड़ा अभी भी लग रहा है कि आपका हाथ भी प्रॉपर वो जज नहीं कर पाएगा, मतलब अभी आप स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी उसके लिए, सॉरी। लेकिन ओ भाई साहब, ये तो भाई खतरनाक गाड़ी है। अभी थोड़ी सी रोड ऐसी है, अभी हम थोड़ा सीधा चलते हैं आगे, जब थोड़ी सी फ्लैट रोड आ जाएगी तब एक बार हम इसका आवाज, इसकी एक बार जो फ्लाई बाय पे आएगी ना, वो एक बार हम सुना। यहाँ पर बटन गिवन है जिससे आप अपना एग्जॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। 3 ऑप्शंस गिवन है, जिसमें सबसे लाउड होता है, एक सबसे लो होता है, एंड एक जो मिड वाला वेरिएंट होता है। चलो अब रोड आ चुकी है फ्लैट, थोड़ा सा डाउन शीशे नीचे करते हैं। अगर आप सुनना चाहोगे तो सुन भी लेना है। अरे भैया नहीं।
गलत भाई साहब, एक बार और बनता है गुरु, एक बार और बनता है वैसे तो, ये बार बार पता नहीं कब आएगी दोबारा, लेकिन जो मज़ा आ रहा है इसके साथ नेक्स्ट लेवल है कार, ये दोस्तों नेक्स्ट लेवल है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी पता है क्या किस बात की खुशी है, इस बात की खुशी है इसका प्राइस बहुत लो है यार, इसका प्राइस ही नहीं है कुछ गाड़ी का जिस हिसाब से गाड़ी है। मैं तो इसे सोच रहा था करोड़ों की है, बट ये तो लाखों में है गाड़ी, और वो भी सिर्फ कुछ ही लाख। बिल्कुल, ऐसा ना सोचे कि करोड़ के बहुत नज़दीक है, बहुत कम है यार करोड़ से, आप समझो बात को। दोबारा सुनाते हैं एक बार, वो देखो उधर भाई भी आ गया, देखो रिएक्शन पता है कैसे हैं, ये देखो भाई भी अपना गेट से बाहर ही आ गया देखने के लिए, क्या ड्रामा लगा रखा है इन्होंने। अब आप दोबारा से सुनो एक बार ना इसका फ्लाई बाय, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे थ्रॉटल देंगे और ये इधर रखेंगे, हम लोग रेडी हैं जी, रेडी है, चलो चलो। अच्छा सीट बेल्ट भी तो ग्रिप बना रही है, हैं? सीट बेल्ट भी ग्रिप बना रही है भाई, ये बहुत अच्छी कार है, बहुत मज़ेदार तो कार है। प्लेयर्स को तो बाद में मज़ा आएगा जब वो गाड़ी लेंगे या जो भी लेंगे, पहले आप बताओ आपको मज़ा आया कि नहीं। भाई मुझे ना अल्टीमेट मज़ा आया, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठा हूँ, इनफैक्ट मतलब BM में भी बैठे हम वैसे भी बैठे, लेकिन इसका अलग है कुछ है। बिल्कुल है, अभी इसका मज़ा जो इसकी पावर जो इसकी ड्राइव वो बिल्कुल ही अलग है भाई, बिल्कुल अलग है। और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और इसको मतलब जिसने ख़रीद लिया वो मतलब कभी डिसअपॉइंट नहीं होगा कि मैंने क्या चीज़ ख़रीद ली। लेकिन हाँ थोड़ा सा पेट्रोल लगता है इसके अंदर, पेट्रोल 2-3 की एवरेज ही देती है, और यार रोज़ तो चलाने वाली चीज़ है भी नहीं है। बिल्कुल, जब चलेगी तब पेट्रोल डलेगा। सही बात है, तो अभी ये देखते हैं कि कितने प्राइस की है ये कार आई है। ओहो भैया, भाई नमन ने तो भाई जान एकदम ऐसी कर दी, ओ स्पॉइलर खुल गया। अच्छा स्पीड पे देखें, हम स्पीड वाली कार है तो स्पीड वाला स्पॉइलर भी खुल चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की, काफ़ी हीट है इसके अंदर, कितने की है ये कार और क्या है इसका आस्किंग प्राइस। नमन आपको पूरी डिटेल बताएंगे और आपको समझाएंगे, लेकिन आगे चल के, क्योंकि इसकी जो शक्ल है आगे से मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब नमन शुरुआत से शुरू करते हैं, आप इसकी डील बता दो कि क्या डील है इस कार की और कहाँ कहाँ भेज दोगे इस कार को। भेजने को हम हर जगह भेज देंगे, जहाँ से भी हमारे क्लाइंट देख रहे हैं, जहाँ से भी हम वो लेना चाहते हैं उनके पास पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। गाड़ी जो है 2012 मॉडल है, 8300 किलोमीटर्स गाड़ी खाली चली है, जो जैसे कि आपने अभी अपने व्यूअर्स को दिखाया। एंड गाड़ी जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, मतलब कहीं किसी चीज़ का कोई काम नहीं, इट इज़ अ V8 इंजन कार। एंड गाड़ी की हम जो आस्किंग कर रहे हैं दैट इज 69,75,000 ओनली। दोबारा से अच्छा लग रहा है, आस्किंग जो हम इसकी कर रहे हैं वो है 69,75,000 ओनली। सुना आपने, 70 लाख भी नहीं खर्चने और आपको V8 इंजन की स्पोर्ट्स कार मिल जाएगी ऑटोबेस्ट इंपीरियो पे। ये बहुत कम होता है भैया कि आपको इतनी अच्छी कंडीशन की, इतनी लेस ड्रिवन कार बिल्कुल मामूली कीमत पे मिल जाए, और आप अपना शौक भी पूरा कर लें और उसके बाद भी आपके ज़्यादा पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर इसमें 3 करोड़ लगा दिए तो फिर वो वेटिंग पे आएगी, वो टाइम लेगी आने में। लेकिन एक बात समझ लो, 12 मॉडल की जितनी अटेंशन है, 20, 21, 22 मॉडल की भी वही अटेंशन होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि R8 तो R8 ही रहेगी, क्योंकि 12 मॉडल की कितनी अटेंशन है हमें पता है भाई, रोड पे लेके आए हैं, कोई किसी को बोल भी दूंगा ना कि ये 12 मॉडल है वो विश्वास नहीं करेगा। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है, लेकिन जो जेन्युइनिटी है गाड़ी की वो हमने आपको बता दी, 2012 मॉडल है और सिर्फ 69,75,000 ओनली। इट इज़ अ नेगोशिएबल प्राइस। और सुन लो अच्छी बात तो ये है, पैन इंडिया डिलीवरी करा देंगे, पैन इंडिया डिलीवरी करा देंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी हो पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। आपको बस करना यही है, या तो आप हमारे शोरूम पर विजिट करें जो कि है दिल्ली में मेन रिंग रोड राजौरी गार्डन पर, या फिर आप चाहे हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि है 8885 8886। गाड़ी की सारी फोटोज़ एंड डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट और इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, और हमें कॉमेंट्स में लिख सकते हैं कि कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो और कैसी लगी आज की हमारी मेहनत, और आप लाइक करके जरूर जाना इस वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए इन फ्यूचर भी बनाते रहें। बिल्कुल, तब तक के लिए आप देखते रहिए माय कंट्री मराठ, खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।